नमस्कार साथियों साथियों, आज मैं आपको MTBF MTTR के बारे में बताऊंगा, जो कि एक्सेल में विद केस स्टडी के साथ स्टडी करते हैं हम। तो साथियों आइए देखते हैं हम इसको। साथियों उससे पहले थोड़ी सी एक मिनट लूँगा मैं, इसमें यह बताना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बैंक है, ये इसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 66 क्वेश्चन है ये शॉर्ट ट्रैक क्वेश्चन और 44 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें चूजेबल क्वेश्चन है वो किस प्रकार है वो ये देखते हैं हम। ये साथियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 93 पेजेस की बुक है ये, इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं ये, ठीक है, ऐसे आंसर मिलेगा आपको और ये इस प्रकार से होंगे, शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके नीचे डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो साथियों आइए देखते हैं हम। तो हमने पहले समझा था MTBF MTTR के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि फार्मूले क्या आते हैं, उसके बाद तभी एक्सेल में देख पाएंगे हम। तो इनके फार्मूले ये हैं, ब्रेकडाउन का फार्मूला ये गया, उसके बाद इनके हम केस स्टडी लेंगे, उसका डाटा इस प्रकार है। उसके बाद हमारे जो फार्मूले हैं, ब्रेकडाउन टाइम निकाला, कैलकुलेट कैसे किया है, ये तो इसमें किया है, हम इसको एक्सेल में कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये फार्मूला है MTBF और ये MTTR का है, ठीक है। अब हम देखते हैं OE का, जो OE के हमारे कल डाटा था, ये फार्मूले हैं OE के, OE कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है, अवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस के बाद हम देखते हैं यील्ड, इसे क्वालिटी रेट भी बोलते हैं या परफॉर्मेंस क्वालिटी रेट बोलते हैं इसको। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। एक ही पेज पर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा आपको, एक ही पेज पर फॉर्मूला सारे दिखे हुए हैं ये OE कैलकुलेशन के, ठीक है। ये परफॉर्मेंस रेट है, ये क्वालिटी है, ये अवेलेबिलिटी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो OE कैलकुलेट हो जाती है, इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो साथियों इसके हम केस स्टडी लेंगे, ये केस स्टडी के से डाटा है, ये हमने केस स्टडी की है, इसी के बेस पर हम एक्सेल में चलते हैं साथियों। तो ये एक्सेल सीट है हमारी, एक्सेल सीट पर पहले हम MTTR और MTBF कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। पहले हम ब्रेकडाउन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हमारी ब्रेकडाउन परसेंटेज क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, डाटा देखते हैं। यानी हमें सीरियल नंबर दे दिया कोई, यहाँ पर ये सीरियल नंबर है हमारे, इस प्रकार देख सकते हो, ये हमारी डेट है, ये डेट देख ली हमने। यहाँ पर मशीन नंबर, यानी कौन से मशीन का है, ये CNC बन का लिया है मैंने, ये CNC बन है, कितने टाइम चली वो, यानी जो हमारी प्लान था 24 घंटे का प्लान था, तो 24 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब कितने मिनट बंद रही, कितने मिनट डाउन टाइम रहा, तो ये 4 तारीख को 45 मिनट डाउन टाइम रहा, टूल चेंजिंग टाइम था कोई, ये ठीक है, इस प्रकार से चेंजिंग टाइम है हमारे, ये है हमारे डाउन टाइम आ जाते हैं। टोटल डाउन टाइम आ रहा है 430 मिनट और 6 टाइम है, यानी फ्रिक्वेंसी देखेंगे हम इसकी, 6 टाइम की आई है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम है, ठीक है। इसकी टोटल हमारी जो देखेंगे मंथ की, ये आ रही है हमारी 1.99 क्या ब्रेकडाउन परसेंटेज, ये हमारी डेली की परसेंटेज है। ये साथियों ये देखो, इसको ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ये अब ऐसा फार्मूला लगा रखा है मैंने, ये येलो कलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ऐसे मैं एग्जांपल हैंडल दिखाता हूँ आपको, 34 में डाला तो ये को ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, जहाँ पे ऑटोमेटिक ग्राफ हो गया, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर मशीन नंबर डालना है, यहाँ आपके प्लान टाइम डालना है, शेड्यूल टाइम डालना है, और यहाँ पर आपको जो भी डाउन टाइम है वो डालना है, तो ये सारे चीज़ कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएंगी, इसमें पूरा फार्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। देखते हैं इस प्रकार से, अब हमने 6 का डाटा लिया, ये है हमारा, तो परसेंटेज समझ में आ गई, ब्रेकडाउन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं MTBF, MTBF क्या होता है, ऑपरेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितने बार हमारे फ्रिक्वेंट हुआ, फ्लेक्शन हुआ ये, ठीक है। ये क्या है ऑपरेटिंग टाइम, क्या है हमारा जो शिफ्ट टाइम हमारा हुआ या डाउन टाइम जो भी हमारा हुआ, वो सॉरी जो भी हमारा है ये प्लान टाइम शेड्यूल टाइम,
उसमें से लॉसेस टाइम को माइनस कर देंगे तो इतने टाइम हमारी मशीन ऑपरेट हुई, ऑपरेट टाइम है, ठीक है। तो हमने ये निकाल दिया यहाँ पे इस प्रकार से, ये निकल के आ गया हमारा। इसके बाद दिस डिवाइडेड बाई ये फ्रिक्वेंसी, यानी हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा एम टी वी एफ निकल के आ गया, तो यानी ये अप होना चाहिए। और एम टी टी आर क्या होता है, हमारा जितना डाउन टाइम है उसमें जितनी हमारी फ्रिक्वेंसी है यानी फ्लक्चुएशंस है उससे हम भाग दे देंगे, यानी 6 टाइम है तो 6 टाइम से मैंने भाग दे दिया। इसको भाग देने के बाद हमारे जो है इतना आ रहा है, यानी इतनी मिनट ब्रेकडाउन चला, एक ब्रेकडाउन का जो हमारा टाइम है वो इतना है, मीन टाइम इतना आ रहा है। क्योंकि देखो एक हमारा 120 मिनट का भी गया है, 45 मिनट का भी गया है, 47 मिनट का भी गया है, तो मैं बेसिकली इसने जो क्या किया इन सब का लेके कितना टाइम आ रहा है एक ब्रेकडाउन में आ रहा है, इसका ये है। तो ये कम से कम होना चाहिए, अभी जो ब्रेकडाउन जो टाइम है ये कम से कम होना चाहिए, ये एनालिसिस करते हैं इससे। इसके बाद हम ये देख सकते हैं साथियों, ये देखो ये अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, इस प्रकार से मतलब हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद ईयरली डाटा लेते हैं हम। ईयरली डाटा को एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, ये 2019-20 का डाटा एनालिसिस किया गया है, CNC 1 का है, ये आपकी CNC कोई भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर मंथ 2 कर देना, या इसी मंथ में 2 CNC हो गई इस प्रकार से। तो शेड्यूल टाइम है, प्लान टाइम क्या है आपका वो यहाँ लिख दोगे आप। उसके बाद डाउन टाइम कितना गया, वो कितने बार फ्रिक्वेंसी है वो, इस प्रकार से हमारे यहाँ परसेंटेज निकल के आ जाती है, ब्रेकडाउन परसेंटेज कितनी है, और यहाँ पर निकल के आता है ओपनिंग ऑपरेटिंग टाइम, जो कितना मशीन का ऑपरेटिंग टाइम है, तो इसमें से डाउन टाइम माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग टाइम निकल के आ गया। एम टी एफ निकालने के लिए जो हमारी कितनी फ्रिक्वेंसी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा MTTR निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मंथली ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा मंथली हो गया, ये ईयरली हो गया। अब आपको एक OE का ही दिखा देता हूँ मैं, OE में कुछ बता रहे हैं कुछ नमी समझ में आ रहा, तो दोबारा फिर समझा देता हूँ मैं OE का कैसे फॉर्मूला हुआ है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी टोटल प्रोडक्शन बना हमारा 3000, इसके अंतर्गत आपका आइडियल रन रेट 3 है, यानी कि एक मिनट में 3 पार्ट बनते हैं, ठीक है, एक मिनट में 3 पार्ट बनते हैं, 3 पार्ट लिख लिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको आप लिख सकते हो, जैसे कि 12 मिनट में एक पीस बनता है, ठीक है, तो 12 × 1/12 कर दिया तो ये निकल के आ गया एक मिनट में इतना पीस बनेगा भाई, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा रन रेट निकल के आ गया। अब ये ओपनिंग टाइम क्या है हमारा, ऑपरेटिंग टाइम क्या है, ऑपरेटिंग टाइम को तक क्या होता है हमारा, ऑपरेटिंग टाइम है इसमें से ये माइनस कर देते हैं, ये जो भी डाउन टाइम है वो माइनस कर दिया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा शिफ्ट टाइम था, ये शॉर्ट ब्रेकडाउन है, शट डाउन ब्रेकडाउन होता है हमारा, उससे माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करके ये निकाल दिया इस प्रकार से, ठीक है, जो भी डाउन टाइम है। तो ये अवेलेबिलिटी निकल के आ गई, तो जो शट डाउन टाइम टाइम ये डिवाइडेड बाई ये, यानी इतना हमारा पास प्लान टाइम हो गया, ये प्लान टाइम है, इतने हमारे मशीन का प्लान था, ये हमारा शट डाउन शॉर्ट टाइम ले लिया हमने, शॉर्ट ब्रेकडाउन ले लिया हमने, कोई वैसा ब्रेकडाउन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद ये अवेलेबिलिटी कैलकुलेट हो गई, परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के बाद ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं यील्ड। यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका ओके प्रोडक्शन होते हैं इसमें और टोटल इंस्पेक्शन, यानी इसने 3000 पीस इंस्पेक्शन किए, उसके अंतर्गत 60 पीस माइनस कर दिए तो ओके पीस बच गए, ये गुड्स पीस बच गए, उससे इसको माइनस डिवाइड करके ये निकाल लिया, तो ये परसेंटेज निकल के आ गई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके ये निकल के आ गई हमारी ओई। इस प्रकार से ओई कैलकुलेट करते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ भी कोई समस्या है मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं साथियों, ठीक है। तो आए साथियों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए हैं लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट भी और PPT भी। ओके, थैंक यू।